मैं आपको बता रहा था कि मैं फ़ेस टू फेस क्लास में नॉर्मली एग्जाम्पल देता हूँ अब देखो ऑनलाइन क्लास में क्या है जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं अब जितने बच्चे भी मेरी सामने बैठे हैं तो ओबियस बात आप घर से बाहर निकलते नहीं और घर से बाहर नहीं निकलते तो अगर कभी दोस्तों के साथ बाहर जाते होंगे तो बात एक अलग है बट नॉर्मली जब फेस टू फेस क्लास होती है तो दिल्ली में ना काफ़ी सारा बच्चा पढ़ने के लिए आता है ऐसे काफ़ी सारे बच्चे कोई पुणे पढ़ने जाता है ठीक है और कोई अपना ठीक है जी कोई पुणे पढ़ने जा रहा है कोई मान लो जयपुर पढ़ने जा रहा है कोई दिल्ली पढ़ने जा रहा है तो काफी सारे बच्चे दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं तो मेरी सी एस वाले बच्चों की फेस टू फेस क्लास होती है या आपको रियल केस बता रहा हूँ या आपको रियल केस बता रहा हूँ याद करो लेवी और कलेक्शन वाले में एग्जाम्पल दिया था ना अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरी क्लास का रियल केस तो अब सी एस वाले बच्चों की फेस टू फेस क्लास होती है अब सीएस वाले बच्चों की जब तो फेस टू फेस क्लास होती है ना तो उसमें से एक बच्चा जो है एक बच्चा जो है ना वो आया हुआ था बिहार से अब एक बच्चा बिहार से आया हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी सी सीये ए बने सीएस बने अच्छी डिग्री ले प्रोफेशनल डिग्री ले पैसे कमाए तो हर एक का सपना होता है और हर एक के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा पैसा हर एक घर के अंदर होता है कईयों के घर में फाइनेंशियल दिक्कतें काफी सारी होती हैं तो बच्चा पढ़ने, पढ़ने तो तो था था, पार्टिसिपेट करता पार्टिसिपेट करता तो बहुत अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट करता था अब क्या हुआ वो सिंगल बच्चा था उस टाइम एक बच्चा था फिर एक से दोस्त बने उसके अब जैसे दोस्त बने तो दोस्त ने कहा भाई तू आगे बैठ क्या करेगा अब धीरे 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 उसने दूसरी रो में तीसरी रो में आने वाले बीस दिन के अंदर उनके पांच छह दोस्त बन गए और सबसे लास्ट वाले रो के अंदर बैठना स्टार्ट कर दिया अब जैसे वो लास्ट वाले बैठना स्टार्ट कर दिया तो कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं कि आएंगे सबसे पहले बैठेंगे फिर भी लास्ट में और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं आते बहुत बाद में उनको सीट आगे चाहिए होती है उनके डिपेंड करता है कि उनको समझ में आगे आता है कहीं को पीछे समझ में आता है अब क्या हुआ कि भाई साहब पीछे बैठ गया जी अब पीछे बैठ गया तो संगति अच्छी हो गई अच्छी का मतलब सुट्टे मारना अपना थोड़ा बहुत और किसी ने बोला भाई 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 टेस्ट 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 कर कर ले ले तो तो लाइफ में एक बार सब कुछ करना चाहिए सुट्टा टेस्ट किया तो सुट्टे की आदत लग गई किसी ने बोला भाई बियर बियर टेस्ट कर ले भाई बियर टेस्ट कर स्ट्रेस रिलीज करती है भाई तेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा भाई भाई ते तो पता लगेगा स्ट्रेस कहाँ है उसने बियर टेस्ट की उसके भाई साहब <coughs> मजा आया होगा उसने दो तीन बियर गटक दी उसको बियर की आदत लग गई अब अब वो बच्चा इतना बढ़िया घर से जब निकला था पढ़ने के लिए उसका सारा बेड़ा गर्क कर दिया उन तीन चार दोस्तों ने जो उसके साथ में जुड़ गए जी। अब क्या हुआ अब एक दिन की बात है तो ये हो गया एक दो तीन महीने बैच को स्टार्ट हुए हो गए तो एक दिन क्या हुआ मैं अपना लंच लेके नहीं आया जी अब एक दिन मैं अपना लंच लेके नहीं आया तो सॉरी लंच ले आने का मतलब मैं गाड़ी से लंच लेके नहीं आया मैं ऑफ मतलब वैसे तो लंच लाया था तो मैं नॉर्मली कई बार अपने स्टाफ को बोल देता हूँ कि यार जाके ना लंच ले आओ मेरे को ना लंच करना है बट उस दिन उस दिन कुदरती पता नहीं क्या हुआ मैं लंच लेने के लिए निकला और जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर दो रास्ते हैं मैं बीच वाले रास्ते से निकला जब बीच वाले रास्ते से निकला तो वो बच्चा ना वहाँ पर सिगरेट पी रहा था अब बच्चा सिगरेट पी रहा था वही बच्चा जो बिहार से आया था उसने मेरे को देख लिया अब देखा तो भाई साहब उसका दिमाग खराब उसने क्या क्या सिगरेट छोड़ दी सिगरेट छोड़ के पैर से मसले लग गया मैं उसके पास गया पी ले भाई कह नहीं 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 सर मैं नहीं पीता मैं नहीं पीता सर नहीं, ये ये लोग पीते हैं सर मैं नहीं पीता मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं पी ले भाई देख सारी गोल्ड फ्लैग तेरी खराब हो रही है पीस रुपये तू खराब कर रहा है मैं कहो तूने एक एक सुट्टा भी मारा तूने अपना उसको पूरा कम से कम छल्ले तो चार पाँच छोड़ मेरे को भी देखा छल्ले छोड़ के कैसे छोड़ते तू भाई जैसे तुम छल्ले छोड़ते हो ऐसे तुम करते वो हरकत है मेरे को दिखाओ ना मैं भी तो देख लूँ तू छल्ले छूटते कैसे कह रहे नहीं नहीं सर सॉरी सर सॉरी सर गलती हो गई सर आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा मैं कहा भाई तू पी ले उसको वो सारी सिगरेट खराब हो रही है तो अगर नहीं मैं कह तो नहीं ना मैं कहा एक बार ऐसा कर तो ऊपर आ मेरे पास उसको मैं ऊपर ले गया जी अब ऊपर ले गया तो मैंने कहा हाँ भाई किस दिल्ली किस लिए आया था दिल्ली किस लिए आया था हमारा गर्दी करने के लिए लड़की बड़की छेड़ने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए गर्लफ्रेंड चाहिए ना आजकल का पैशन है कई बच्चों का पैशन है कि मेरी एक सहेली होनी चाहिए मेरा एक दोस्त होना चाहिए जिसके अंदर मैं अपने दिल की बातें ब्याह कर सकूँ क्या तली हो क्या तल्ले हो आना ताया नहीं ताया एक रोती ताई दो रोती थी पीली दाल ताई है

मैंने पापा का फोन मिलाया तो मैंने पापा का फोन बुलाया अब बिहार की लैंग्वेज वो बोल रहे थे तो मैंने बोला मैं कहा हाँ जी अंकल जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ दिल्ली से बोल रहा हूँ विवेक गाबा बोल रहा हूँ आपका बेटा जो है ना हमारे यहाँ पे कोचिंग लेता है वो तो कहे अच्छा, अच्छा अच्छा गाबा सर गाबा सर तो क्या हाल चाल हैं आपके तो मैं कह रही बढ़िया है जी एकदम बढ़िया आप सुनाए कह रहे हम तो बहुत बढ़िया है जी हमारा बेटा तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकता जी बहुत अच्छे आप उसको पढ़ाते हैं बहुत अच्छा लगते हैं हमें भी कई बार वीडियो दिखाता है हमारे पास इतना फ़ोन तो बड़ा नहीं है पर छोटे फ़ोन में बार बार ला दिखाता है कि रिविज़न क्लास देखो गाबा सर पूरी रात बारह घंटे की कई बार क्लास लेते हैं तो भगवान आपको खुशी दे आप ये बताएं हमारा बच्चा सही से पढ़ रहा है तो मैं कहा जी अब सही तो पढ़ रहे है। कह रहे बस वो उसका ध्यान रखना क्योंकि हम तो रिक्शा चलाते हैं हम दिहाड़ी कमाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि वो बच्चा बन जाए सर बिलीव मेरी आंखों से रोना आ गया मैंने कहा सुन ले अपने बाप की आवाज को मगर सौ दो सौ रुपये दिन की दिहाड़ी कमा रहे अंकल और तू यहां पर यह प्रस्तियां कर रहा है मैं इसलिए दिल्ली आया था क्या तू यहां पे मैं इसलिए तूने सीएस अपनी स्टार्ट की थी क्या ये सोच के सीएस स्टार्ट की थी कि तू ये हरकतें करेगा क्या मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैंने कहा यार वो रिक्शा चलाने वाले अंकल भाई साहब मैं उनको क्या बोलूँ मैं उनको फोन पे क्या ही बोलूँगा आपका बच्चा सुट्टे मार रहा है यहाँ पे मैंने कहा वो तो भाई साहब जीते ही मर जाएगा यार इंसान और अगर मान लो उसको कुछ हो गया तो भाई ये कौन कहाँ देखने जाएगा मैंने लास्ट में ये बोल के बने कहा कि आपका बेटा सही कर रहा है आप टेंशन मत लो मैं कहा यार शर्म कर लो भाई कुछ यार तुम यार मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भाई साहब अपनी जिंदगी उनकी गुजर रही है जिंदगी के उन्होंने पता नहीं कहां से लोन ले लेके तुम्हारी कोचिंग दिलवाई है पता नहीं वो पापा कैसे मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन जाते हैं उनके चेहरे पे एक बार शिकन तक नहीं होती उनको लगता कि नहीं हमें ना मिले हमारे बच्चों को मिल जाए उसके बाद भी तुम ये हरकतें कर रहे हो तुम्हारी आशिक खत्म नहीं हो रही पता नहीं तो फाइनली वो दिन और आज दिन का दिन है उसने कहा सर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा मैंने कहा देख मेरे से वादा कर आज मेरे से वादा कर तू सिगरेट नहीं पिएगा मैं तुझसे एक वादा कर रहा हूं कि अगर तू सिगरेट नहीं पिएगा ना मैं तेरी सारी प्रोफेशनल की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवाऊंगा और सारा खर्चा मैं तेरा उठाऊंगा सर और आपको जान के हैरानी होगी आपको जान के अच्छा भी लगेगा लास्ट दो अटेम्प्ट पहले उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक आया एग्जीक्यूटिव के अंदर जी तो कई बार ना बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाता है अब उसने कहा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो उसका ना सिगरेट पीना जो है ना ये ना सिगरेट पीना क्या अंदर भी उसने बहुत कुछ किया अपने पेरेंट्स के लिए किया अपनी हेल्थ के लिए किया उसने सबके लिए कुछ ना कुछ किया तो नोट टू डू समथिंग इज ऑल्सो ए कंसिडरेशन ये बात ध्यान देना तो समथिंग इन रिटर्न में सब कुछ आता है जी यह बात मेरी समझ पा रहे हो